जो बंदा बोले कि मैं खुद सरवाइव कर जाऊंगा, मैं खुद बना जाऊंगा, मैं खुद क्लाइंट स्कोर कर जाऊंगा, मैं खुद तिजारत को बढ़ा दूंगा, मैं खुद जिंदगी के अंदर तामीर कर लूंगा, मैं खुद करियर बना लूंगा, मैं खुद सेहत ले लूंगा, he has attributed all the benefits, all the khair to himself. Now he doesn't need a mercy. उसको तो अदल चाहिए, उसको तो अब इंसाफ चाहिए, मन जद्दा वजदा का कायदा चाहिए कि मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए. लेकिन जो बंदा अपनी मेहनत करे और उसके अंदर भी ये बोले वमा तौफीक इल्ला बिल्ला, कि मेरे पास तौफीक नहीं है मगर जो अल्लाह तू दे दे मुझे, अल्लाह मेरे पास इख्तियार नहीं है मगर वो जो तूने मुझे दे दिया, या अल्लाह मेरे पास तो कोई ताकत ही नहीं है मगर वो ताकत जो तूने मुझे दे दी, ये बंदा फकीर होकर जिंदगी गुजारेगा. तुम अल्लाह ताला के आगे फकीर हो जाओ, तुम अल्लाह ताला को रहमान ही पाओगे. अगर तुम्हारे अंदर एक फकर की कैफियत पैदा नहीं हुई, तुम्हारे अंदर एक लाचारगी की एक ऐसी कैफियत पैदा नहीं हुई जिसमें तुम्हें जरूरत है, तुम्हारे अंदर डिपेंडेंसी अगर दिल के अंदर पैदा नहीं हुई कि मैं डिपेंडेंट हूं किसी पे, मोहताजगी पैदा नहीं हुई, तो तुम्हें अल्लाह ताला के रहमान होने की जरूरत ही नहीं है. और जब तुम्हें जरूरत नहीं है तो अल्लाह ताला भी तुम्हें रहमान नहीं मिलेगा, फिर अल्लाह ताला सरियुल हिसाब मिलेगा. तो अल्लाह ताला से रहम मांगे, लेकिन अल्लाह ताला से रहम मांगने के साथ अपने आप को अल्लाह ताला के रहम का पाने वाला भी बनाए.